दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं टॉन्सिल के विषय में। अक्सर आपने देखा होगा छोटे बच्चों में टॉन्सिल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। आमतौर पर बच्चों में नहीं, कुछ वयस्क लोगों में भी ऐसा देखा जाता है कि उनको भी टॉन्सिल की समस्या होती है, उनके भी टॉन्सिल बढ़े हुए रहते हैं। तो आज मैं इसी के विषय में आपको होम्योपैथी के एक बायो कम्बिनेशन के विषय में डिटेल जानकारी दूंगा, और साथ में दो सपोर्टिव मेडिसिन और आपको बताऊंगा, जिनके प्रयोग से आप पाएंगे कि आप टॉन्सिल की समस्या, चाहे वो एक्यूट हो, चाहे वो क्रोनिक हो, चाहे वो इनलार्ज हो, तीनों समस्याओं, तीनों तरह की स्थिति के लिए, तीनों स्टेज के लिए आप अपने टॉन्सिल को क्योर कर पाएंगे और बहुत ही अच्छा बेनिफिट पाएंगे। तो मैं बहुत देरी न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक विनम्र गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं स्वास्थ्य से संबंधित और सेक्स एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे वीडियोज मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, और उनकी टॉप होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ घरेलू नुस्खे भी आपके लिए प्रोवाइड करवाता हूँ। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे या मिलती रहे समय से, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए टॉन्सिल। दोस्तों टॉन्सिल टॉन्सिल आमतौर पर एक लिम्फ नोड होता है। आप एक तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में दिख रहा है कि गर्दन के दोनों तरफ टॉन्सिल हैं छोटे छोटे से, और एक दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें दिख रहा है कि दोनों टॉन्सिल बढ़े हुए हैं। एक एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई कार्यक्रम हो रहा हो, कोई ऐसा आयोजन हो रहा हो जहां पर मुख्य द्वार पे दो गार्ड खड़े कर दिए जाते हैं। उन गार्ड का काम यह होता है कि किसी भी अराजक तत्व को उस आयोजन को भंग ना होने दे, या कुछ ऐसे अराजक तत्वों को, कुछ अनर्गल चीजें जो अंदर ना जाने पाए जिससे उस आयोजन में कोई बाधा ना उत्पन्न हो। ठीक उसी तरीके से टॉन्सिल को प्रकृति ने हमें गर्दन में इसीलिए दिया है दोस्तों कि वो हमें इन्फेक्शन से बचाएं, जीवाणुओं से इन्फेक्शन हो, चाहे कीटाणुओं का इन्फेक्शन हो, यानी बाहरी कोई भी इन्फेक्शन हो जो गर्दन तक तो जाए लेकिन गर्दन के अंदर ना जा पाए, इसके लिए टॉन्सिल हमारी बॉडी के अंदर प्रकृति ने हमको दिए हैं। दोस्तों टॉन्सिल एक लिम्फ नोड होता है जो गर्दन के दोनों तरफ होता है। उसका साइज छोटा होता है जैसा कि आपने अभी तक अभी तस्वीर में देखा है, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे आ जाते हैं मुंह के अंदर, कुछ ऐसे कीटाणु जनित इन्फेक्शन होते हैं, कुछ ऐसे विषाणु जनित इन्फेक्शन होते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर भी स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि है तो एक आर्गन ही। अब जब आर्गन खुद इन्फेक्टेड हो जाएगा तो उसको भी इलाज की जरूरत होती है दोस्तों। तो आज मैं उसी इलाज की बात करने वाला हूँ। पहले थोड़ा सा जानते हैं ऐसी समस्या होती क्यों है। दोस्तों आमतौर पर छोटे बच्चों के अंदर ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनमें ये दिक्कत होती है कि वो कुछ भी खाते हैं तो अपने मुंह को प्रॉपर हाइजीन से मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं, कुल्ला सही से नहीं करते हैं, तो वो जो खाते हैं वो वेस्ट मटेरियल मुंह के अंदर जमा रहता है, वो बाद में इन्फेक्शन का कारण बनता है। आमतौर पे बहुत सारे मेजर्स कारण होते हैं कि ये इन्फेक्शन जन्म लेने के, जैसे कुछ भी खाया अपने मुँह को साफ नहीं किया तब ये समस्या हो सकती है, कुछ ज़्यादा ही आप खट्टा या मीठा खा रहे हैं उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फिर वही बात आती है कि आपको मुँह को साफ जरूर करना है। दूसरा ठंडी के मौसम में ये टॉन्सिल की समस्या बच्चों में ज़्यादा बढ़ जाती है, वो इसीलिए क्योंकि ठंडी में ठंडा पानी प्रयोग करते हैं, ठंडी चीज़ें भी खा लेते हैं, और इन सब चीज़ों की वजह से टॉन्सिल की समस्या बढ़ जाती है। यानी कि ओवरऑल कहा जाए दोस्तों तो टॉन्सिल की समस्या एक इन्फेक्शन जनित बीमारी होती है। टॉन्सिल होते सबको हैं, लेकिन बस अगर आपको इन्फेक्शन का लेवल हाई हो गया है तो वो टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद कुछ समस्याएँ आपको आ सकती हैं, जैसे कुछ भी निगलने में आपको परेशानी होने लगेगी, आपको दर्द लगातार बना रहेगा, बच्चों में खासकर होता है, वैसे ही वयस्कों में भी हो सकता है, आपको दर्द लगातार बना रहेगा, सूजन होने की वजह से निगलने में समस्या होने लगेगी, हो सकता हो आपको फीवर हो, वयस्कों में तो फीवर हो सकता है कम लगे लेकिन बच्चों में ज़्यादा लगता है, बच्चों में फीवर लगातार लगे रहेगा और आपको दर्द होने लगेगा, कुछ भी खाने खाते समय दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर समस्या आपने कंट्रोल नहीं की है, समस्या का शुरुआती इलाज नहीं किया है, तो सर्जरी की स्थिति भी आ जाती है दोस्तों। आमतौर पे ये कोई गंभीर समस्या नहीं है अगर शुरुआती दौर में इस पर क्योर किया जाए तो। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके बहुत अच्छे रिस्पॉन्स हैं। मैं आज एक बायोकेमिक कम्बिनेशन आपको बताऊंगा, और साथ में दो सपोर्टिव मेडिसिन भी आपको बताऊंगा जिनके प्रयोग से आप पाएंगे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।
दोस्तों, तो ये तो आप जान ही गए हैं कि टॉन्सिल होता क्या है और क्यों होता है, किस कारण से बढ़ जाता है। मुख्यतः दो लाइनों में समझने की कोशिश करें तो टॉन्सिल एक आर्गन ही है जो सब लोगों के अंदर पाया जाता है, लेकिन वो खतरनाक तब होगा जब हम हाइजीनिंग का ध्यान नहीं रखेंगे और इन्फेक्शन होने की वजह से वो बढ़ जाते हैं। सीधी सी बात समझने की ये है, तो उसको सिक्योर किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है। दोस्तों, ये मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे ये एक्यूट कंडीशन को भी क्लियर किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, और क्रोनिक तो पक्का आप कर सकते हैं अगर लगातार आपने यूज किया है तो, और इनलार्ज्ड है। अगर बड़े हो गए हैं टॉन्सिल तब भी आप सुरक्षित कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा लंबा आपको प्रयोग करना पड़ेगा मेडिसिन को। दोस्तों, जो सबसे पहली मेडिसिन है इसमें बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 10, ये बायोकेमिक साल्ट हैं, इनके प्रयोग से बहुत अच्छी तरीके से आप सुरक्षित कर पाएंगे। अब इसमें समझने वाली बात है कि इसके अंदर 3 बायोकेमिक साल्ट पड़े हैं। अब ये बायोकेमिक साल्ट करते क्या है, जो पहला इसके अंदर बायोकेमिक साल्ट पड़ा है वो पेरमपास। पेरमपास अगर इनलार्ज कंडीशन उनकी बड़ी हो गई है और आपको दर्द है और फीवर है टॉन्सिल की वजह से, दोस्तों उसके लिए पेरमपास अमृत का काम करती है। दूसरी मेडिसिन है एल्केरियाफास। एल्केरियाफास किसी भी जो एक्स्ट्रा पार्ट अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ रहा है, इनलार्ज वाली स्थिति है, उसके लिए बहुत अच्छी है। दर्द के लिए भी रामबाण है और साथ साथ में टॉन्सिल के लिए तो अमृत ही है। दोस्तों, अगली है काली म्यूर। काली म्यूर भी एक जबरदस्त मेडिसिन है टॉन्सिल के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप पाएंगे कि जब ये बायोकेमिक साल्ट प्रयोग करेंगे तो आपको 2 से 3 दिन के अंदर ही सूजन में कमी लगने लगेगी और अच्छा रिस्पांस दिखने लगेगा दोस्तों। और साथ में काली म्यूर दोस्तों जो रिकरिंग टॉन्सिल होते हैं, यानी बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर आपको बार बार टॉन्सिल की समस्या रिपीट हो रही है तो काली म्यूर उसके लिए ज़बरदस्त है। तो दोस्तों, अंततः आप बायोकेमिक्स 10 नंबर को जरूर प्रयोग करें अगर आपको टॉन्सिल की समस्या है। साथ में दूसरी मेडिसिन है दोस्तों मर्क्यूरिस आयोडेटस 6 एक्सपोटेंसी में इसको प्रयोग करना है। ये मुख्यतः अगर आपको काफ़ी दिनों से टॉन्सिल की समस्या है, किसी भी बच्चे को काफ़ी दिनों से टॉन्सिल समस्या या वयस्क लोगों को भी काफ़ी दिनों से टॉन्सिल की समस्या है, अगर बार बार रिकरिंग हो रही है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। आप इसको प्रयोग करेंगे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे। कैसे प्रयोग करना है मैं आपको अभी बताऊंगा, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, अगली मेडिसिन बेलाडोना 30। अगर आपको दर्द, असहनीय दर्द होता है, अक्सर होता भी है, और गर्दन में स्वेलिंग भी रहती है, उसके लिए बेलाडोना एक बेहतरीन मेडिसिन है दोस्तों। बेलाडोना, जैसा कि इसकी प्रॉपर्टीज आप पहचानते ही हैं, बेलाडोना दर्द और सूजन और खासकर में घरघराहट की अगर स्थिति गर्दन के अंदर है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। स्वेलिंग, ऐसी स्वेलिंग जहाँ पास फार्मेशन ना हुआ हो, उसके लिए भी रामबाण मेडिसिन है। वो स्वेलिंग इंटरनल हो या आउटर हो, बॉडी के अंदर हो या बाहर हो, उसके लिए ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो ये 3 मेडिसिन हैं दोस्तों जिनको आपको टॉन्सिल की समस्या के लिए प्रयोग करना है और बहुत ही अच्छे रिस्पांस पाएंगे, बहुत ही यूनिक रिस्पांस पाएंगे। आप देखेंगे कि इन मेडिसिन को प्रयोग करने से वो एक्यूट की स्थिति होगी तब भी आप कवर कर पाएंगे, क्रोनिक होगी तब भी कर पाएंगे, और रिकरिंग वाली स्थिति होगी तब भी कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इनको कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों, अगर वयस्क लोगों को बायोकेमिक नंबर 10 प्रयोग करना है तो आपको 4-4 गोली दिन में 4 से 5 बार मुंह में रखनी है, गल जाती हैं। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो एक 5-10 ml गुनगुने वाटर के अंदर आप 4 गोली डालिए, घुल जाएंगी, घुलने के बाद उनको पी लीजिए, लेकिन 4 से 5 बार आपको प्रयोग करना है दोस्तों। अगर बच्चों को आप प्रयोग करवा रहे हैं तो 2 टेबलेट दिन में 4 से 5 बार कर, आप देखेंगे 2 दिन के प्रयोग से ही आप अपनी टॉन्सिल को कवर कर पाएंगे दोस्तों। अगली मेडिसिन मर्क्यूरिस आयोडेटस, इसको भी दोस्तों 2-2 गोलियां आप दिन में 4 से 5 बार प्रयोग कीजिए जब तक स्थिति कंट्रोल में नहीं आती। अगर कंट्रोल में आ जाए तो इसको आप 2 टाइम प्रयोग कीजिए। उसके बाद बच्चों को प्रयोग करवाना है तो 1 गोली जो है दिन में 3 से 4 बार करिए, फिर वही अगर कंट्रोल में आ रही है तो 2 बार प्रयोग करवाइए। अब रही बात बेलाडोना की दोस्तों, बेलाडोना वयस्क लोगों को 5 से 10 बूंद दिन में 2 से 3 बार आपको लेना है, बच्चों को 2-2 बूंद दिन में 2 से 3 बार प्रयोग करवाइए, आप बहुत यूनिक रिजल्ट पाएंगे दोस्तों। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपके लाभ के लिए सिद्ध हो रही है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।